करेंगे 2020 में 2019 के कंपेरेटिव ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 9 क्वेश्चन वेयर फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। 2019 में सिर्फ 6 क्वेश्चन थे, इसमें 9 थे, और इसके भी ट्रेडिशनल टॉपिक हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन पेपर का जो वो है वो कटिंग नहीं डाला गया क्योंकि क्वेश्चन छोटा दिखता है, तो हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन वहाँ से ओपन करेंगे और फिर इस पर डायरेक्टली आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर है 33। हाँ, क्वेश्चन किस पे? इंडिगो कल्टीवेशन पे। क्वेश्चन कह रहा है इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज। एक्चुअली क्या होता है, इंडिगो जो था वो इंडिया में कल्टीवेट किया जाता था और बहुत लार्ज लेवल पे किया जाता था। इंडिगो जो होता था वो कलरिंग के लिए किया जाता था, कपड़े को कलर करने के लिए, नील जिसको कहते थे, नील। जैसे अभी आप देखोगे एक पहले बॉक्स भी आता था नील का ऐसा, वो तो वो इंडिगो का वो कलर होता था। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था गांधी जी का, वो इसीलिए हुआ था फाइनली। तो हुआ क्या था, इंडिगो का कल्टीवेशन डिक्रीज हो गया था क्योंकि बाहर एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई थी। जैसे इंडिया अभी भी आज़ाद नहीं हुआ था, बट जर्मनी फ्रांस ये लोग डाई का यूज़ करते थे। डाई जो होता था वो डाई नेचुरल कलर खुद से बना देता था, उस टाइम पे इंडिगो उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो उसका डिक्लाइन हो गया, तो उसके पीछे रीज़न क्या थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सबसे पहले ऑप्शंस पे, पहला कह रहा है पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स। इसका ऐसा कहना है पीजेंट रेजिस्ट कर रहे थे प्लांटर्स को क्योंकि उनको ग्रो नहीं करना था। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि अनप्रॉफिटेबल था ये ग्रो करना क्योंकि बाहर क्या हो रहे थे, न्यू इन्वेंशन हो रहे थे। नेक्स्ट कह रहा है नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। और लास्ट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स। अब देख लो, गवर्नमेंट प्लांटर्स पे कंट्रोल नहीं कर रही थी, ये तो हो ही नहीं सकता। ऊपर वाले भी देखो, पीजेंट रेजिस्टेंस टू ऑपरेसिव कंडक्ट प्लांटर्स ये भी नहीं था, नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ये भी नहीं था, बट ये देखो इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। एक्चुअली क्या हो रहा था, न्यू इन्वेंशन स्टार्ट हो रहे थे धीरे 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 धीरे, जिसकी वजह से डाई की वजह से उनको समझ में आ गया कि इंडिगो ग्रो कर रहा वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। आते हैं हमारे टॉपिक पे, ये किस में है, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश, ये फेवरेट टॉपिक है इकोनॉमिक इंपैक्ट, कि ब्रिटिश ने एग्रीकल्चर में जो इंटरवेंशन किए, इंडस्ट्री ग्रो की, रेलवे स्टार्ट किया, टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट किया, उसका क्या इंपैक्ट हुआ। ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ, एनसीईआरटी से, और इसका आंसर क्या है, बी इंडिगो द ब्लू डाई। इंडिगो क्या कहा जाता था, ब्लू डाई वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, एंशियंट टाइम से ही कर रहे थे और इंडियन टेक्नोलॉजी थी ये। बट ये कहाँ देखो लिखा हुआ है, बोथ इन ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड, देखो लिखा है ना, न्यू कहाँ है अमेरिकास, और ओल्ड कहाँ लिखा हुआ है एशिया अफ्रीका एंड यूरोप। इट गॉट इट्स नेम इंडिगो बिकॉज इट रीच यूरोप फ्रॉम इंडस वैली। ठीक है, अब इंडिगो के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते क्योंकि इंडिगो पे क्वेश्चन आया तो फ्यूचर में भी आ सकता है। इंडिगो को ब्लू डाई कहते थे, प्लांट से ग्रो होता था। अब कहाँ पहली बार ग्रो होता था, इंडस वैली से, इसलिए उसका नाम भी क्या मिला, इंडिगो इंडिया। एंड लेटर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया बाय द पोर्तुगीज एंड अदर यूरोपियन सेलर वॉज एंकरेज एंड ट्रेडेड बाय द ब्रिटिश टू अदर पार्ट्स। और ये मेनली कहाँ मिल रहा था, अब साउथ कैलिफोर्निया यूएसए में। हुआ क्या था, इंडिया में मिलता था बट इंडियंस को इसकी अवेयरनेस नहीं थी। जो पोर्तुगीज और ब्रिटिश लोग आए यहाँ पे तो उनको पता चला इसका बहुत काम है, तो धीरे धीरे इसको एक्सपोर्ट करके कहाँ भेज रहे थे, यूएसए में, विच वॉज देन अ ब्रिटिश कॉलोनी। यूएसए भी क्यों भेज रहे थे, ब्रिटिश वहाँ भी रूल कर रही थी। फाइनली जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया, अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1673 के अराउंड अमेरिका जब आज़ाद हुआ, तो उनको फाइनली पता चल गया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए इंडस्ट्रीज की जरूरत है, तो धीरे 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 नए नए इन्वेंशन स्टार्ट हुए। आगे पढ़िए, हाउ एवर दिस स्टॉप्ड आफ्टर द ब्रिटिश कॉलोनी इन यूएसए गेन देयर फ्रीडम आफ्टर अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर। देख रहे हो 1775-1783 के टाइम पे अमेरिका क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। अब क्योंकि आज़ाद हुआ तो इन्होंने नए नए इन्वेंशन किए। आगे पढ़िए, लिखा हुआ इट वॉज देन दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड इट्स प्रोडक्शन इन बंगाल। मैं आपको इसी कहानी बताता हूँ, इन शॉर्ट ये बोल के आ रहा है, ये ऐसा कह रहा था कि इंडिया में मिलता था, इंडिया से इसको ले गए यूएसए में, यूएसए में इसको ग्रो करते थे, यूएसए में इसकी खेती होती थी। बट जब यूएसए आज़ाद हो गया तो अब तो ये ब्रिटिश के कंट्रोल में भी नहीं रहा और यूएसए इन्वेंशन भी करने लग गया, तो फाइनली ब्रिटिशर्स को क्या लगा, अब इसको यूएसए में ग्रो नहीं कर सकते तो इंडिया में ग्रो करते हैं। तो इंडिया में ग्रो करने के लिए वो ज़बरदस्ती करने लगे प्लांटर्स के साथ। प्लांटर्स को कहने लगे, जैसे पहले आप एक एकड़ की लैंड पे उगाते थे, आपको कहते थे आप जितना ज़्यादा ग्रो करोगे आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा। इसे पहला स्टेटमेंट वही दिया हुआ था, ऑपरेसिव नेचर ऑफ प्लांटर। बट ऑपरेसिव इससे नहीं था क्योंकि लोग भी राजी हो गए थे। अभी आप देखो कितने राजी हुए थे लोग, यहाँ लिखा हुआ है कहाँ का ग्रो होता था, बिहार और सेकंड, हाँ
बंगाल और बिहार वाले पार्ट में ग्रो होता था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी लुक फॉर वेज टू एक्सपांड एरिया। ये देखो, ओनली अबाउट 30% ऑफ इंडिगो वॉज इम्पोर्टेड टू ब्रिटेन इन 1788, बट 95% कब तक हो गया था, 1810 में। इंडिया में सिर्फ 30% इंडिगो ग्रो होता था 1790s तक। अगले 20 साल में 95% पूरे वर्ल्ड का इंडिगो इंडिया में ग्रो होने लग गया, इतना लोग इसको उगा रहे थे क्योंकि फ़ायदा बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट कितने ऐसे लोग थे जो इन्वेस्ट भी कर रहे थे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, दे वेर स्टार्टेड लिविंग देयर जॉब्स एंड लुकिंग आफ्टर इंडिगो बिजनेस। मेनी पीपल फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स। लोग अपनी जॉब फॉरेन में छोड़ के इंडिया में आ रहे थे इसकी खेती करने के लिए। आगे लिखा हुआ है, द कंपनी एंड बैंक्स वेर गिविंग लोन फॉर इंडिगो कल्टिवेशन, बट यहाँ देखो मेन रीजन लिखा है, द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो इन द मिड 19th सेंचुरी मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द इंडिगो इंडस्ट्री। द इंग्लिश बिजनेस रिलाइंग ऑन नेचुरल इंडिगो फेस चैलेंजेस एज द सिंथेटिक अल्टरनेटिव गेन प्रोमिनेंस। सिंथेटिक मतलब क्या होता था, जो इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है नेचुरली, मतलब एक तो ये आप खेती में उगा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ये क्या हो गया नेचुरल इंडिगो। सिंथेटिक ऐसा था जो इंडस्ट्री वाले ग्रो कर रहे थे, अब वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता था क्योंकि इंडस्ट्री में बन रहा है, उसमें कलर भी ज़्यादा होता था और उसमें डिपेंड नहीं होना पड़ता था आपको कि खेती कैसी होगी, खेती खराब हो गई नहीं होगी, मैनमेड मिल रहा था ये, सॉरी हाँ मैनमेड मिल रहा था। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज वाई द नेचुरल इंडिगो कल्टीवेशन ड्रॉप ड्यूरिंग 19th and early 20th century फर्दर इंटेंसिफाइड द टफ मार्केट कंडीशन फॉर ट्रेडिशनल ग्रोअर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आपको बस इस पूरी कहानी में इतना याद रखना है, इंडिगो जो है इसको ब्लू डाई कहते हैं, ये प्लांट से ग्रो होता है, अगेन इंडस वैली में पहली बार ग्रो हुआ था, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जब डिमांड धीरे धीरे कम हो गई तो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, कहाँ पे, बंगाल में और बिहार में। ये पूरी कहानी कोई काम की नहीं, ये सब हटा दो, बंगाल और बिहार में ग्रो होता, 30% इंडिगो से कहाँ पहुँच गया था 95% सिर्फ 20 साल में बस। और उसके बाद फाइनली मिड ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, सिंथेटिक इंडिगो आ गया था, इसीलिए लेट 19 और 20 सेंचुरी में इसकी डिमांड कम हो गई। तो आंसर हो जाएगा उसका बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 किसके बारे में बात कर रहा है, रखमा बाई केस ऑफ 1884। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है टफ कैटेगरी में, क्योंकि जहाँ भी आप स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे, बिपिन चंद्र पढ़ोगे, आप रखमा बाई को पढ़ते ही नहीं थे, लोग स्किप कर देते थे, तो पुराना वाला जो क्वेश्चन था उसको तो मैं इजी कैटेगरी में डाल सकता हूँ क्योंकि उसके बारे में तो आप पढ़ा भी होगा, बट ये क्वेश्चन आ जाएगा टफ कैटेगरी में, रखमा बाई के ऊपर है। रखमा बाई अगेन क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी, किसी इंसान के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी। आते हैं इसकी स्लाइड पे, हाँ ये रहा रखमा भाई, क्वेश्चन नंबर 32 पर्सनैलिटी बेस्ड है। कहाँ से आया था बुक, प्लासी टू पार्टीशन बुक से लिया गया था, मैंने कहा ना स्पेक्ट्रम वगैरह में दिया ही नहीं था, एक बुक है प्लासी टू पार्टीशन, उससे उठाया गया था, शेखर बंडोपाध्याय की बुक है ये। आंसर बी, प्लासी टू पार्टीशन क्यों कहा गया था, आपको पता होगा 1757 में प्लासी का बैटल होता है, ये पहला बैटल था इंडिया के अगेंस्ट ब्रिटिश जो लड़ता है, और लास्ट था 1947, इसीलिए ये बुक का नाम ऐसा रखा गया था प्लासी टू पार्टीशन। ठीक है, अब आते क्वेश्चन पे, रखमा बाई पे। रखमा बाई जो थी शी वॉज अ पायनियर, कहाँ का, फील्ड ऑफ मेडिसिन में और वुमेन्स राइट में, इसीलिए क्वेश्चन आया था। आगे हर एफर्ट्स टू बी ग्रांटेड इंपॉर्टेंट कुछ है क्या, नहीं हाँ, उसने क्या किया था, उसने शादी के कंसेंट की एज इंक्रीज की थी, कब, 1891 में। शी वेंट ऑन टू स्टडी इन द लंडन स्कूल ऑफ मेडिसिन, लंडन में पढ़ाई हुई इसकी, अंडरलाइन कर लो, इन 1889। व्हेन शी केम बैक टू इंडिया टू वर्क इन हॉस्पिटल, शी बिकेम इंडियाज फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, चाहे आप राज्यसेवा दो या यूपीएससी दो। नेक्स्ट, रखमा बाई गॉट मैरिड एट 11 ईयर्स ऑफ एज टू द 19 ईयर ओल्ड दादाजी भिकाजी, उनसे इनकी शादी हुई थी 11 साल की एज में। एज वॉज कम शी स्टेड एट पेरेंट्स, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रखमा वॉज स्टिल इन स्कूल, हस्बैंड इंसिस्टेड वाई नो वन टू ब्लाइंडली फॉलो कन्वेंशन, दादाजी सून फाइल्ड अ पिटीशन इन अर्ली 1991। रखमा बाई, हाँ रखमा बाई आस्क फ्रीडम फ्रॉम हर नॉन कंसेंशुअल मैरिज सीकिंग अ लीगल डाइवोर्स, समझ रहे हो, उस टाइम पे 1890s के टाइम पे रखमा बाई ने डाइवोर्स मांगा, क्यों, उनकी शादी बिना उनकी मर्जी से कर दी गई थी और बचपने में कर दी गई थी और इनको पढ़ना था इसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ोगे फाइनली क्या होता है, रखमा बाई ये केस जीत जाती है, यहाँ लिखा हुआ है बहराम जी मालाबारी एंड पंडिता रमाबाई केम टू द डिफेंस एंड फॉर्म द रखमाबाई डिफेंस कमेटी। रखमाबाई डिफेंस कमेटी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पंडिता रमाबाई जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है पंडिता रमाबाई। द केस स्पैंड 4 years अंटिल दादाजी वॉज कम्पेंसेटेड इन 1888 आउटसाइड द कोर्ट, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ आप क्वेश्चन पे,
क्वेश्चन पंडिता रमाबाई पे था। अब पूछ रहा है मटनेर रमाबाई ने 1884 में जो केस लड़ा वो किस किस के अराउंड था। पहला लिख रहा है वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। नहीं, वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन नहीं था, हाँ एजुकेशन की बात नहीं की गई थी, मतलब एजुकेशन के लिए नहीं लड़ा था उन्होंने, किसके लड़ा था, एक तो एज ऑफ कंसेंट कि शादी के लिए एज ऑफ कंसेंट जो है वो होना चाहिए, एक मिनिमम एज होना चाहिए इसके लिए, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, डाइवोर्स के लिए उन्होंने केस लड़ा था। वन हटा दो, जिस भी ऑप्शन में वन हट जाएगा आंसर हो जाएगा, देख रहे हो ए हटा दो वन के लिए, सी भी हटा दो, डी भी हटा दो, आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर बी है क्या? यस आंसर इसका बी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 35 ट्राइबल रिवोल्ट पे आ जाओ। देखो ट्राइबल रिवोल्ट हमने पढ़ा था, फेवरेट टॉपिक है, हर साल एक दो क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन रिवोल्ट करता है बिरसा मुंडा के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलगुलान और द ग्रेट टर्मल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब आप बिरसा मुंडा रिवोल्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे वर्ड दे रखा है उलगुलान, बस एक वर्ड से इसका आंसर आ रहा था, इसका आंसर है डी बिरसा मुंडा। आ जाओ इसके एक्सप्लेनेशन पे, ये रहा बिरसा मुंडा, टॉपिक है ट्राइबल रिवोल्ट, ये बिपिन चंद्र में भी दे रखा है और स्पेक्ट्रम में भी दे रखा है, आंसर हो जाएगा डी बिरसा मुंडा। मुंडा रिवेलियन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इन 19th सेंचुरी ट्राइबल रिवेलियन, कहाँ हुआ था ये, रांची में 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। द उलगुलान मीनिंग ग्रेट उलगुलान का मतलब क्या था कि इनको एक मुंडा राज इस्टेब्लिश करना था और आज़ादी चाहिए थी। नेक्स्ट, ये बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ सकते हो आप, हाँ ये पढ़ लेना बस, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1988 प्रोवाइडेड सम रिकॉग्निशन टू देयर खूंटा काटी राइट्स। खूंटा काटी किसको कहते थे, मान लो ये आपकी ज़मीन है, ज़मीन में नहीं कि आप ये लकड़ी वगैरह गाड़ के रख देते यहाँ से यहाँ मेरी है, इसको वो लोग कहते थे खूंटा काटी राइट्स, ये लोकल वर्ड है झारखंड का, खूंटा काटी राइट्स। एंड बैंड बेथ बेगारी, छोटा नागपुर ट्राइबल्स वॉन अ डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर देयर लैंड राइट्स। तो ये पढ़ लेना क्योंकि पहली बार इसके थ्रू उनको अपनी ज़मीन पर हक मिला था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है झारखंड में, ठीक है। इनफैक्ट इनकी एक लैंग्वेज भी है जिसको नागपुरी लैंग्वेज कहते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख लेना, नागपुरी लैंग्वेज यहाँ नहीं है बट वहाँ पढ़ाई जाती है नागपुरी लैंग्वेज। तो ये छोटा नागपुर बहुत सारी चीज़ें रिजेंबल करती है अपने नागपुर से, यहाँ पे इसलिए छोटा नागपुर वाला एरिया है ये। मेन आपको बस इतना याद रखना है कि रांची वाले एरिया में बिरसा मुंडा ने 1899-1900 में किया था। उलगुलान का मतलब है कि इनको मुंडा राज इस्टेब्लिश करना और इंडिपेंडेंस चाहिए। अब बस एक चीज़ में याद रखनी है आपको, छोटा नागपुर एक्ट जिसमें बात की गई थी कि इनको कुछ अपनी ज़मीन का राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है। 32 देख लिया, 35 देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी किस पे, गांधी जी पे। ये क्वेश्चन है द बुक विथल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश बाय। बुक कह रहा है विथल विध्वंसक, और वो कह रहा है पहले ऐसा जर्नल था जो अनटचेबल पीपल को टारगेट कर रहा था। अब यहाँ हमको ये गलती नहीं करनी है कि ऑप्शन में गांधी जी तो आंसर होंगे, गलत हो जाएगा इस केस में, क्योंकि इस केस में कैसे सोचना है, आप ये मानो कि गांधी जी के बारे में जो हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, उन्होंने एंटी इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम उन्होंने हरिजन समाज किया था। तो हरिजन वर्ड होता है यहाँ पे, तो गांधी जी मार्क कर सकते थे। अगेन अगर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया होता तो आपने पढ़ा होता, बट इन्होंने भी नहीं किया है। अगर गांधी जी ने किया होता तो आपने पढ़ा होता, इनके बारे में भी नहीं पढ़ा है आपने, और आप ज्योतिबा फूले के बारे में भी जब पढ़ोगे तो आपको सत्यशोधक समाज पढ़ाया जाएगा, विथल विध्वंसक कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। ये अगेन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था क्योंकि गोपाल बाबा वालंकर कोई नहीं पढ़ता। इनफैक्ट 2021 का यही वाला पेपर, 2020 का ही पेपर, इसमें कट ऑफ भी आप देखोगे 92-95 के रेंज में अचानक आ गया था, पहले 100 के ऊपर रहता था कट ऑफ। इस टाइम पे हिस्ट्री के इतने टफ क्वेश्चन आ गए थे, जैसे ये था रखमावी वाला क्वेश्चन देखा था हमने, अगेन ये वाला भी जो क्वेश्चन देखोगे ना, देशेर का था, सकाराम गणेश देउस्कर, ये क्वेश्चन भी बहुत टफ क्वेश्चन था। तीन चार हिस्ट्री से, मतलब इस बार हिस्ट्री में 9 क्वेश्चन थे ना, तो एंड में हम डिस्कस करेंगे 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो डुएबल थे, जो हम पढ़ के जाते हैं, ये सारे बाउंसर क्वेश्चन थे, इसके बारे में आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करना है, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में दिखता है, इसका डायरेक्ट नोट्स बना के अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है, कि आज के बाद आए तो आपको पता होना चाहिए। अभी तक नहीं पता था कोई बात नहीं, बट आज के बाद आपको पता होना चाहिए गोपाल बाबा वेलंकर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 28 ये थोड़ी है, कुछ गलत हो गया, हाँ वो 27 है,
गोपाल बाबा वालंगर वाला कौन सा? हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 लिख दिया है यहाँ पे। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 28 का है, पर्सनालिटी पे आया था, प्लासी टू पार्टीशन बुक में था। देख रहे हो रखमाबाई वाले भी कहाँ था, प्लासी टू पार्टीशन। ऐसा मैंने कहा ना कि कोई अगर स्टैंडर्ड बुक है, जैसे मान लो प्लासी ऑफ पार्टीशन बहुत लोग नहीं करके गए होंगे, आप भी नहीं करके, कोई बात नहीं ना, अगर ये क्वेश्चन भी आया रखमाबाई भी आया सबका गलत हुआ होगा क्योंकि कोई पढ़ के नहीं जाता। बट आज के बाद आपको पता होना चाहिए गोपाल और वालंकर को क्या कहा जाता था, गोपाल कृष्ण भी कहा जाता था इस टाइम पे, इनका बर्थ पीरियड है, नहीं भी याद रहा तो चलता। अगेन ही वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ महात्मा फुले, और ये भी एंटी कास्ट मूवमेंट कहाँ हेल्प की थी इन्होंने, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट ही डेवलप्ड अ रेशियल थ्योरी टू एक्सप्लेन द ऑपरेशन एंड ऑल्सो पब्लिश द फर्स्ट जनरल, ये याद रखना है, पहला जर्नल था जो किसको टारगेट कर रहा था, अनटचेबल पीपल को। वालंकर एक्सटेंडेड फुलेज वर्जन ऑफ रेशियल थ्योरी दैट द अनटचेबल पीपल ऑफ इंडिया वेर द इंडिजियस इनहेबिटेंट एंड दैट ब्राह्मीन पीपल वेर डिसेंडेंट फ्रॉम आर्यन हु हैड इन्वेडेड द कंट्री। वालंकर, हाँ अब ये भी याद करो 1888 में वालंकर ने मंथली जर्नल, नाम क्या था, विठ्ठल विध्वंसक डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्राह्मणिकल और सेरेमोनियल पोल्यूशन, इसका नाम था फर्स्ट टू हैव द अनटचेबल पीपल एज टारगेट ऑडियंस। आपको बस ये याद करना है और ये बस इतना आपको पता होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये महात्मा ज्योतिराव फुले के कंटेम्प्ररी थे और एंटी कास्ट मूवमेंट में इन्होंने हेल्प की थी, और इनके बुक का नाम क्या था, विठ्ठल विध्वंसक। बस ठीक है, ये चेंज कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 28 है। अब आ जाओ इसमें क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया, इसका आंसर नहीं दिया, पता नहीं क्यों, क्वेश्चन एकदम राइट था, बट कभी कभी क्या होगा ना, अचानक से यूपीएससी एक साल बाद कुछ क्वेश्चन को स्किप कर देते, मतलब यूपीएससी को ऐसा लगता है कि कुछ उन्होंने फॉल्ट किया है। आई डोंट नो क्या फॉल्ट था इस क्वेश्चन में, बट ये गांधी जी पे बेस्ड क्वेश्चन था, गांधी इरविन पैक का क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया था, बट फाइनली इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। अब क्या होता है, मान लो अगर 200 मार्क का पेपर हुआ आपका और दो क्वेश्चन अगर ड्रॉप कर दिए ना, तो क्या होगा, आपका कट ऑफ कहाँ से बनेगा, 196 में से, इसके मार्क्स ना किसी को मिलते हैं ना कटते हैं, ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाते हैं। फाइनल लिस्ट 200 में से बनने वाली थी, अब बनेगी 196 में से। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअली हुआ क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप लोग पढ़ोगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हो रहा था कि ब्रिटिश कांग्रेस और ये ब्रिटिश और कांग्रेस एक टेबल पे आ जाए, मतलब एक साथ वो डिस्कशन कर पाए कि इंडिया को आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसके बारे में डिस्कशन। बट उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा था लंदन में और वो चाहते थे सभी पार्टिसिपेट करें, तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ना कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस की डिमांड्स पूरी नहीं हो रही थी। तो फाइनली क्या हुआ था, कांग्रेस के जो वहाँ के गवर्नर, मतलब ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट थे, उन्होंने फाइनली इरविन नाम के आदमी को कहा था, इरविन कौन था उस टाइम पे, इंडिया का गवर्नर जनरल, उसको कहा था कि तुम जाके गांधी जी से बात करो और उनकी डिमांड्स को पूरी करो और कैसे भी करके कोशिश करो कि गांधी जी लंदन आ जाए। बस तो गांधी इरविन पैक्ट, पैक्ट मतलब एग्रीमेंट हुआ था, उसमें क्या क्या बातें हुई थी, सबसे पहला इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रमल्गेटेड इन द कनेक्शन विद द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, ये भी एक्चुअली सही है। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, एक्चुअली रॉन्ग है, गांधी जी की दो डिमांड कैंसिल कर दी गई थी, एक ये था कि पुलिस जो ज्यादती कर रही है उसको, और एक भगत सिंह की फांसी को माफ करने की भी इसी टाइम पे डिमांड मांगी गई थी। गांधी जी की दो डिमांड को कैंसिल किया गया था, एक फाइनली ये डिमांड था कि भगत सिंह की फांसी को माफ करके उसको जेल की सजा में कन्वर्ट कर दे, ये मांग गया था, बट इस मांग को खारिज कर दिया गया था। और सेकेंड यही मांग था कि जो भी पुलिस एक्सेसेस है, पुलिस एक्सेसेस मतलब पुलिस जो ज्यादती कर रही थी, लाठीचार्ज कर रही थी, बेगुनाहों को पकड़ रही थी, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, बट इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वेर नॉट चार्ज विद वॉयलेंस, बिल्कुल सही बात है, गांधी जी ने ऐसा ही कहा था कि जो भी ऐसे प्रिजनर्स है, बंदी है, जिन्होंने वॉयलेंस नहीं किया है, उनको रिलीज कर दो। ऑप्शन पे आते हैं जिसमें थ्री है वो हटा देना, तो ये दोनों तो वैसे ही हट जाएगा, और हमने देख लिया 1, 2 एंड 4, मतलब ये भी है, ये भी है, इसका आंसर हो जाएगा बी। पता नहीं क्यों उन्होंने हटा दिया यूपीएससी ने क्वेश्चन, आगे इस वजह से हटाया होगा, ये जो विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रमल्गेटेड है ना, एक्चुअली किसी बुक में लिखा नहीं गया है, और आई गेस मतलब इसी पे शायद डिस्कशन हुआ होगा, इसलिए क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार, गांधी इरविन पैक्ट को देखो, 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, गांधी जी ने कांग्रेस के बिहाफ पे साइन किया था और इरविन ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे साइन किया गया था। उसके बाद क्या क्या टर्म्स थे उसके बारे में बात की है, तो आपको याद रखना है क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी। सबसे पहले रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड ऑफ वॉयलेंस, जो हमने देख लिया जिन्होंने वॉयलेंस नहीं किया उनको रिलीज करो। नेक्स्ट रेमिशन ऑफ ऑल फाइंस नॉट येट कलेक्टेड, गांधी जी ने यह भी बात कही थी कि जो जो फीस या फाइन आपने लगाए हैं लोगों पे और अब तक कलेक्ट नहीं हुआ है उसको माफ कर दो, जिसके कलेक्ट कर लिया वो ठीक है, जिससे नहीं कलेक्ट किया है उसको माफ कर दो, सेकेंड कंडीशन। नेक्स्ट रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टीज,
ब्रिटिश ने क्या किया था, जबरदस्ती लोगों की जमीन को कब्जा कर लिया था और थर्ड पार्टी को बेच रही थी, प्राइवेट प्लेयर को। तो ब्रिटिशर्स ने कहा था, मतलब गांधी जी ने कहा था, ये लैंड भी रिटर्न कर दो जो लैंड किसी थर्ड पार्टी को बेचे नहीं है। नेक्स्ट, लीनियन ट्रीटमेंट टू दोज गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड रिजाइन। एक्चुअली हुआ क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रोटेस्ट में बहुत गवर्नमेंट सर्वेंट ने रिजाइन कर दिया था, बच्चों ने स्कूल कॉलेज से विड्रॉ कर लिया था। इसी टाइम पे आप देखोगे बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ भी फॉर्म हुए थे, क्योंकि सेल्फ इंडिपेंडेंस। अब पता था बाहर की यूनिवर्सिटी से, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से नाम लिखा लिया तो इंडिया में पढ़ना है इसी वजह से। तो कुछ लोगों ने रिजाइन भी किया था, तो गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था जिन लोगों ने भी रिजाइन किया है उनको वापस एक्सेप्ट करने दीजिए, ठीक है। उसके बाद राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल विलेज, पहली बार बात की गई थी गांधी जी ने कि हमको हमारा नमक खुद बनाने दिया जाए। देख लो 1931 की बात है, 1930 में क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ था, तो इसी टाइम पे गांधी जी ने ये भी मांग की थी कि हम अपना नमक खुद बनाएंगे फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इसको बेच नहीं सकते। यूपीएससी को फंसाना हुआ ने यही लिख देगा, गांधी जी ने बोला था हम अपना सॉल्ट खुद बनाएंगे सेल करने के लिए, बट नॉट फॉर सेल, ओनली फॉर कंजम्पशन। और लास्ट लिखा है राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग। पिकेटिंग मतलब लोगों को जो उठा लेते थे ना, या फिर लीकर शॉप बंद करते थे। एक्चुअली क्या करती थी, वुमेन लोग जो होती ना, महिला है, वो जाके दारू की शॉप को बंद कर रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स दारू बेचते थे। तो ये भी मांग की गई थी कि जो पिकेटिंग हो रही है ना, पीसफुल होना चाहिए और एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और लास्ट में विड्रॉल ऑफ एमरजेंसी ऑर्डिनेंसेज, वो भी हमने ऑप्शन में देख लिया क्या क्या एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ये देख रहे हो, कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड इट्स कॉमरेड डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस, और सेकंड इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस। बस ये जो एक्सेप्शन है ये याद कर लो, कल को अगर क्वेश्चन आता भी गांधी रिवन पैक्ट से तो इसी दोनों के, मतलब आपको पता है ये दोनों तो एक्सेप्ट नहीं किया था, तो एलिमिनेट कर देना, आंसर आ जाएगा। गांधी जी ने क्या मांग की थी कांग्रेस के बिहाफ में, टू सस्पेंड डिसोबीडियंस द सिविल मूवमेंट, और सेकंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि हम सिविल डिसोबीडियंस को एंड कर देंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। ये दोनों चीज़ें गांधी जी ने एक्सेप्ट की और ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ें एक्सेप्ट की, ये किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, ना गांधी जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, 35 हो गया, हाँ ये रह गया शायद, 23 है, और कौन सा रह गया, एक 21 भी है, 23, 21, 28 कर लिया हमने, एक्चुअली यहाँ पे है ही है, ये डबल रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं वेरी टफ कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है, अगेन मिसेलेनियस का पार्ट है, हम प्रिपेयर नहीं होते इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। सबसे पहला कह रहा है औरंग, औरंग को क्या कहते थे, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। सेकंड है बैनियान, बैनियन को क्या कहते थे, इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और तीसरा है मिरासीदार, इसको कहते थे डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। अब देखो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा था। वैसे ऐसे टर्म्स जो होते हैं ना वो मिडाइवल हिस्ट्री में ही मिलेंगे आपको, मिडाइवल में इस टाइप के टर्म्स आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में रेयरली ऐसा आता है। बट मैंने आपको कहा ना ये पेपर एकदम अजीब बनाया गया था, तो ये वर्ड आप कहीं नहीं पढ़ोगे, मतलब ना औरंग पढ़ा होगा ना मैंने, थोड़ा बहुत मिरासीदार पढ़ा भी होगा आपने, बट बैनियान और औरंग नहीं पढ़ा था। आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, ये अगेन मैंने आपको बताया टर्मिनोलॉजी से है, एनसीईआरटी का उठाया गया था, इसे एनसीईआरटी में कहता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसका आंसर था बी, मतलब बी कौन सा था पहले देख लेते हैं। औरंग क्या होता है, औरंग इज अ पर्शियन टर्म फॉर वेयरहाउस। वेयरहाउस क्या होता है, जहाँ फैक्ट्री का सामान आप रखते हो, फैक्ट्री आपने बनाई, एक वेयरहाउस रख दिया जहाँ स्टोरेज का मटेरियल रख दिया। दैट आर वेयरहाउस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बींग सोल्ड, ऑल्सो रेफर टू वर्कशॉप। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि वहाँ औरंग के बाजू में कुछ और लिखा हुआ था, वेयरहाउस नहीं था। सेकेंड बैनियान, बैनियान इन 18th एंड 19th सेंचुरी यूरोपियन मर्चेंट्स ओपन एंड डीपन ट्रेड रूट थ्रू आउट एशिया, अफ्रीका और लैटिन। अब इसकी वजह से क्या हुआ, फाइनली इसका मतलब क्या होता है वो देख लो। हाँ
द यूज ऑफ इंटरमीडियरी विद एक्सपर्टाइज ऑफ द लोकल मार्केट एंड लैंग्वेज रैपिडली प्रोलिफरेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया. दिस वॉज नोन एज द कॉम्प्रेडो सिस्टम. वाइल इन एंग्लो इंडियन ट्रेड इंडिविजुअल कैरिंग आउट दिस फंक्शन दिस वेयर नोन एज बैनियंस. तो बैनियन एक्चुअली क्या है? राइट है, ये इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी के कुछ मर्चेंट थे. और लास्ट वाला जो है मिरासीदार, ये भी बिल्कुल राइट है. मिरासीदार का मतलब क्या होता है? हेरिडेटरी पीजेंट प्रॉपर्टी हु कल्टिवेटेड देयर ओन फील्ड एंड पेड लैंड टैक्स एट द फिक्स रेट. ठीक है, मिरासीदार वो लोग होते थे जो खुद की लैंड होती थी उनकी, खुद ही कल्टिवेट करते थे और टैक्स भी पे करते थे. हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? मतलब मान लो ये मेरी ज़मीन है, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे के नाम पे हो जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं? हेरिडेटरी. तो मिरासीदार के बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज अ हेरिडेटरी, मतलब इसके मरने के बाद ये ज़मीन इसके बेटे को मिल जाएगी. पीजेंट का मतलब क्या होता था? जो खेती करता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड. प्रोप्रिएटर्स हु कल्टिवेटेड देयर ओन फील्ड एंड पेड लैंड टैक्स एट अ फिक्स रेट टू द स्टेट. द मिरासीदार बिलोंग टू द विलेज एंड कुड नॉट बी डिस्पोज इट एज लॉन्ग एज ही कंटिन्यू टू पे द रेंट. ये भी कंडीशन थी कि जब तक मिरासीदार लैंड पे कर रहा है तब तक उसकी ज़मीन कोई छीन नहीं सकता है. नेक्स्ट, ही कुड सेल एंड ट्रांसफर हिज फील्ड एंड हैड अ राइट टू सीट इन द विलेज काउंसिल. मिरासीदार अपनी लैंड को बेच भी सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है, विलेज काउंसिल में बैठने का अधिकार भी है इसको. आगे, ऑल द लैंड विद नो बिलोंग टू गवर्नमेंट. हाँ, जो लैंड मिरासीदार को बिलोंग नहीं करता था वो किसकी हो जाती थी? गवर्नमेंट की. हाँ, अब इसको फिक्स टैक्स भरना है. बट मान लो अगर बारिश नहीं आई या फिर ड्रॉट आ गया या अचानक वॉर हो गया तो मिरासीदार पे टैक्स नहीं लगेगा. तो मिरासीदार के बारे में आपको इतना जानना जरूरी है. अब ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं ना जिसपे आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, तो मैं यही बोलूंगा ये जो PPT है ना इसको आप रेफर कर लेना और इससे नोट्स बना लेना. कैसे? मैंने आपको बता दिया जो जो इंपॉर्टेंट होता है उसको अपने नोट्स में लिख लेना. अब जैसे आपको औरंग पे बनाना है, औरंग में आपके नोट्स पे बस इतना आना चाहिए वेयर हाउस या फिर वर्कशॉप, बस औरंग इसको कहते हैं. अब एक बार क्वेश्चन आ चुका है, कल को मान लो अपोजिट भी आता है ना, वेयर हाउस के सामने कोई और चीज लिखा होगा, आपके माइंड में तुरंत हिट करेगा ये गलत है, क्योंकि वेयर हाउस का मतलब क्या होता था? औरंग. तो पहला वाला इसमें रॉन्ग है, दूसरा राइट है और तीसरा भी राइट है. आ जाओ क्वेश्चन पे वापस. देखो औरंग के सामने क्या दिया था? इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ स्टेट. बट हमने क्या देखा? ये क्या था? वेयर हाउस. तो पहला हो जाएगा रॉन्ग. बैनियन इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, देखा बिल्कुल सही है. और मेरा से भी क्या था? डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट. तो पहला छोड़ के बाकी सब राइट हो जाएगा इसमें. ये भी गया, ये भी गया. टू और थ्री में हमने देखा थ्री भी राइट है और टू भी राइट है. आंसर क्या हो जाएगा? बी. हमने क्वेश्चन नंबर, ये तो एंशियंट का हो गया, अभी मॉडर्न देख रहे, 21 देख लिया, इसके पहले हिस्ट्री है क्या? नहीं, 21 हो गया हमारा, 22 एंशियंट है, 23 करना है. यस, क्वेश्चन कह रहा है Which of the following statement correctly explain the impact of industrial revolution on India during the first half of 19th century? इस क्वेश्चन का ऐसा कहना है जो आउट ऑफ इंडिया, फ्रांस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा. हाँ, जो PDF में पहले देखते हैं कौन से टॉपिक से उठ के आया ये. अगेन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज. हमने देखा इसके पहले वाला क्वेश्चन भी वही से था, इंडिगो कल्टीवेशन वाला जो हमने देखा था. ये कहाँ से आया? बिपिन चंद्र की बुक से आया है. अगेन, जो बिपिन चंद्र में लिखा होता है स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा, तो स्पेक्ट्रम में भी आ सकता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए. अब पढ़ते हैं ऑप्शन क्या क्या था. पहला ऑप्शन कह रहा है, अब ऑप्शन पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा. सबसे पहला क्या कह रहा है? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेयर रुइंड. हैंडीक्राफ्ट मतलब क्या होता है? जो हाथ से आप बनाते हो, मान लो घड़े, मिट्टी के बर्तन, जो हैंड से आप बना रहे हो कोई भी चीज़, पीलो विलो, अब वहाँ पे मशीन आ गई है तो कोई हैंडमेड आइटम्स क्यों लेगा? ऑब्वियस ही बात है. तो पहला वाला तो हो सकता है. नेक्स्ट पढ़ो, मशीन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर. बिल्कुल रॉन्ग. अगर इंडिया में मशीन उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हो गई होती ना तो अब तक हम लोग कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग लोग होते, क्योंकि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की बात कर रहा है, मतलब 1850 की. नेक्स्ट, रेलवे लाइन्स वेयर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये भी गलत है, पहली रेलवे लाइन ही सेकेंड हाफ में डाली गई थी. तो पूरे इंडिया में लिखा है मेनी पार्ट्स. अगर सिर्फ इतना लिखा होता ना कि रेलवे लाइन्स वेयर लेड तो हो सकता है राइट हो सकता है. मेनी पार्ट्स मतलब पूरा इंडिया रेलवे से कनेक्ट था, ये भी इम्पॉसिबल है. इनफैक्ट आज भी पूरा इंडिया रेलवे से कनेक्टेड नहीं, अभी भी कुछ एरियाज है जहां रेलवे नहीं पहुंचे. और लास्ट में है, हैवी ड्यूटीज वेयर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर. अगर यहाँ एक्सपोर्ट लिखा होता तो राइट हो सकता. देखो क्या लिख रहा है, इम्पोर्ट मतलब ब्रिटिशर्स जो बाहर से गुड़ भेजते थे ना अपने, उस पर हैवी ड्यूटी लगाते थे. बिल्कुल गलत है. अगर इंडियन इम्पोर्ट होता ना तो बिल्कुल राइट होता. यहाँ पे अगर इंडियन लिख देता, क्योंकि इंडियन जो चीज़ इम्पोर्ट करते थे ना उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था. तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ये हो जाएगा रॉन्ग. आंसर क्या हो जाएगा? ए. इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो.
इंडिया वॉज अ मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट फॉर टेक्सटाइल्स, देख रहे हो, इन अर्ली 18th सेंचुरी, बट बाय मिड ऑफ 19th सेंचुरी इट हैड लॉस्ट ऑल इट्स एक्सपोर्ट मार्केट एंड मच ऑफ इट्स डोमेस्टिक मार्केट. क्यों? इंडस्ट्री आ गई कपड़े से. आप एक बात बताओ, मान लो रेमंड की इंडस्ट्री है, अगर वहाँ प्लांट है, एक घंटे में एक प्लांट, एक मशीन हो सकता है 500 शर्ट बना सकती है और अच्छे शर्ट बनाएगी क्योंकि मशीन से सील रही है. एक इंसान में लिमिटेशन है, मैं मान लो एक घंटे में 10 ही तो शर्ट बना पाऊंगा, तो कहाँ से डोमेस्टिक लोग सर्वाइव कर पाएंगे मशीन के सामने. इसीलिए जब अर्ली 18th सेंचुरी था ना, तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो इंडिया टेक्सटाइल में लीड कर रहा था. बट जैसे ही लेट, हम कहाँ पे बात करें, 19th सेंचुरी की, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, इंडिया अचानक नीचे हो गया. आगे पढ़िए, एट द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन इंग्लैंड. देखो इंग्लैंड में डेवलप हो गई थी एंड अदर कंट्रीज से इंपोर्ट्स आना स्टार्ट हो गए थे. दे कुड प्रेशराइज, ये वो, ये सब छोड़ दो. यहाँ पढ़ो, कॉटन वीवर्स इन इंडिया फेस्ड टू प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम. पहला, एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स. हमने देखा एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो जाएगा. अब क्या होता था, मान लो आपको कपड़ा बनाना है तो आप क्या करते थे, रॉ मटेरियल एक्सपोज करते थे, एक्सपोर्ट करते थे. जैसे आपको कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, सिल्क चाहिए, वो तो बाहर से मंगाओगे. बट ब्रिटिशर्स ने वो देना बंद कर दिया. क्यों? ये अब किसको दे रही थी, अपनी इंडस्ट्रीज को. मान लो मैंने यहाँ मशीन खोला है तो मैं पहले अपनी इंडस्ट्रीज को दूंगा, तो इंडिया के लिए रॉ मटेरियल आना बंद हो गया था. और नेक्स्ट देखो, ग्लूटेड विथ मैनचेस्टर इंपोर्ट. इंडिया में, इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट आना बंद हो गया बट इंडिया में इंपोर्ट होने लग गया. कहाँ का? मैनचेस्टर क्लॉथ. वो अपने खुद के कपड़े इंडिया में बेचने लग गए. और सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी, और एक प्रॉब्लम क्या थी, प्रोड्यूस बाय मशीन एट लोअर कॉस्ट. मशीन का खर्चा कम होगा. क्यों कम होगा? एक घंटे में आप 500 शर्ट बना रहे हो, एक आदमी 10 शर्ट बना पा रहा है, तो मशीन ऑब्वियसली लो कॉस्ट लेगी क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है. और सेकंड प्रॉब्लम इनके साथ क्या थी, ये देखो, रिपोर्ट्स फ्रॉम मोस्ट विंग रीजनल नरेटिव. हाँ, सो चीप दैट अ वीवर्स कुड नॉट इजिली कम्पीट विथ देम. एक प्रॉब्लम था कि प्राइस बहुत कम था, और सेकंड प्रॉब्लम ये था रॉ मटेरियल आ ही नहीं रहा था. ये दो प्रॉब्लम की वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया, कंप्लीटली रुइन हो गया. हैंडीक्राफ्ट मतलब हैंड से बना रही है. देखो, इंडियन हैंडीक्राफ्ट से रुइंड एक्सटेंसिवली. इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, देख रहे हो, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी 20. ये देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन भी उसी था, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज. उसके बाद हमने देखा गांधी जी पे, ये क्वेश्चन को तो ड्रॉप कर दिया पता नहीं क्यों. नेक्स्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट पे पहली बार एक क्वेश्चन दिखा, बट ये बार बार दिखेगा. पर्सनैलिटी बेस्ड देखो कितने क्वेश्चन थे, दो थे, एक गोपाल बाबा वालंकर पे और इस पे, फिर एक टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन था. और ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीटेड है, एक्चुअली सखाराम देउस्कर वाला क्वेश्चन है, बट वो यहाँ पे है नहीं तो मैं यहीं बता देता हूँ. वो इसमें एक्चुअली स्किप हो गया, ये वाला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द बुक देशेर काका. एक विथ रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देउस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको बोला है कि देशेर कथा एक बुक थी, सखाराम गणेश देउस्कर ने लिखा था. कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, इट वॉर्न्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड. बिल्कुल सही. इसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वार्निंग दी थी लोगों को कि ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पे रूल करने आए हैं, तो ब्रिटिशर्स से बहुत कम इंटरेक्ट करो, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ो, तो इन्होंने वार्निंग दी थी. बिल्कुल सही बात है. इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फोक सॉन्ग. बिल्कुल सही. ये लोग क्या करते थे, लोकल लैंग्वेज में, देशेर कथा नाम था ना, तो ये लोग क्या करते थे, लोकल स्टोरीज सुनाते थे. और लोकल स्टोरीज में ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आए, इसे लोकल स्टोरीज के थ्रू वो बताते थे कि ब्रिटिशर्स क्या करने आए हैं. क्योंकि अगर वो हिंदी में बात करते या फिर कोई और लैंग्वेज में बात करते तो ब्रिटिशर्स को थोड़ी बहुत लैंग्वेज समझ में आती थी. तो ये लोग क्या करते थे, नाटक का यूज़ करते थे दिखाने के लिए कि ब्रिटिशर्स करने के आए हैं इंडिया में. और लास्ट, द यूज ऑफ देश बाय देउस्कर वॉज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल. बिल्कुल रॉन्ग. जो देश वर्ड यूज किया था ये पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था. मतलब ये क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है कि जो बुक में देशेर में देश वर्ड है ना, ये सिर्फ बंगाल के रीजन के लिए था, बट इन्होंने ऐसा बोला कि ब्रिटिशर्स सिर्फ बंगाल लूटने नहीं आए, ब्रिटिशर्स पूरा इंडिया लूटने आए. तो तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली. ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, ये भी क्वेश्चन किस पे डिराइव्ड है, आप देखो पर्सनैलिटी पे डिराइव्ड है. पर्सनैलिटी है सखाराम गणेश देउस्कर, उन पे क्वेश्चन आया है. अगेन आई वुड पुट दिस क्वेश्चन इनटू टफ कैटेगरी. अब चेक कर लो, एक पर्सनैलिटी का क्वेश्चन ये था, एक ये था गोपाल बाबा वालंकर, ये भी टफ था. और एक रखमा भाई का क्वेश्चन भी टफ था. और एक औरंग वाला क्वेश्चन जो हमने देखा, चार क्वेश्चन, मतलब 9 क्वेश्चन थे, 9 में से 4 क्वेश्चन टफ थे. बट स्टिल मैं आपको क्या बोलूँगा, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो. अगर एक क्वेश्चन आपके लिए टफ है तो बाकी सबके लिए भी टफ है. क्यों?
कोई इतना नहीं पढ़ता यार आज की डेट में। अगर मान लो पंडिता रमा भाई पे भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो कुछ भी बनाया जा सकता है कि रमा भाई यहाँ पे बॉर्न हुई थी, उन्होंने ये स्कूल में पढ़ाई की। हम थोड़ी पढ़ के जाते हैं यार, यूपीएससी को बनाना होगा तो कुछ भी बना देगी। हमको पॉजिटिवली ये रहना है कि मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता। हमको अगर मान लो 9 में से 4 नहीं आए, 5 जो है ना इस पे फोकस करना है कि ये 5 हमारे कैसे रॉन्ग हो गए, क्योंकि 5 अच्छे टॉपिक से, 2 इकोनॉमिक इंपैक्ट से था, एक गांधी जी पे क्वेश्चन आया हुआ था, एक ट्राइबल रिवोल्ट पे आया हुआ था मुंडा वाला, जो हम कर सकते थे। ठीक है, तो इस टाइप से हमको मेन टॉपिक्स पे फोकस करना है। आगे चल के जब हम नेक्स्ट 2 ईयर्स का देखेंगे, मतलब 2021 और 2022 और 2023, आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री का इंपैक्ट कम हुआ है और एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बढ़ गए हैं। ठीक है, बट टॉपिक्स यही रहेंगे मॉडर्न में, पर्सनैलिटी, ट्राइबल रिवोल्ट, एक्ट्स, पॉलिसीज और इकोनॉमिक इंपैक्ट हर साल, और गांधी जी। ये 6 गांधी जी तो 2022 में भी क्वेश्चन था और 21 में भी आया गेस, और जो ऑप्शन है वही आंसर है गांधी जी में, ऐसा है। ठीक है, तो हम कल से 21 और 22 स्टार्ट करेंगे। बाकी मैं पीपीटी दे दूंगा मैम को, वो ग्रुप में डाल देगी, उससे नोट्स बना लिया जाएगा।